जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन ये होती है कि कितना टैक्स देना है, कौन सा टैक्स देना है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, फाइलर, नॉन फाइलर, कैपिटल गेन टैक्स, डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 7E, पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, कौन कौन सा टैक्स डाल दिया है भाई, आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं करता, बस वोचर थमा देता है। इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पर आपको कौन कौन से टैक्सेस देना पड़ते हैं। एक चीज जो मैं पहले बताना चाह रहा हूं कि ये इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो ज्यादातर DHA से रिलेटेड है, क्योंकि DHA एक ऑथेंटिक अथॉरिटी है और वो जो टैक्सेस आपसे लेते हैं और फर्दर आगे गवर्नमेंट को देते हैं या आप बैंक में जमा कराते हैं और उसकी रिसीट जो है वो आप DHA में जमा कराते हैं, मैं उनके बेस के ऊपर ये आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस। एक फेडरल टैक्स होते हैं जो FBR लेता है और एक प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है, और इनकी कैटेगराइजेशन फर्दर इस तरह है कि कुछ सेलर के टैक्सेस हैं और कुछ बायर के टैक्सेस हैं। अब इन टैक्सेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि देयर आर 3 रेट्स जिनके बेसिस पे ये टैक्सेस जो हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं और लिए जाते हैं। एक FBR रेट है, एक DC रेट है और एक फेयर मार्केट रेट है। आप एक थंब रूल याद रखें कि जो भी फेडरल टैक्स होगा वो FBR रेट, जो FBR की लिस्ट में दिया गया होगा रेट, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो जिस भी कैटेगरी की लैंड है तो FBR की लिस्ट में उनकी वैल्यू दी होती है जिस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है, और ये फेडरल टैक्स होता है। इसी तरह जो DC रेट है या DC वैल्यू है वो DC वैल्यू की जो लिस्ट होती हैं उनके ऊपर बेस करके प्रोविंशियल टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं, और एक फेयर मार्केट रेट होता है जिसके ऊपर आपके कुछ टैक्सेस हैं, जैसे डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर 7E जो है वो फेयर मार्केट के ऊपर असेस किया जाता है, लेकिन इसकी कोई लिस्ट नहीं दी गई। इसकी क्लैरिफिकेशन कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले FBR ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपने जो लिस्ट्स वैल्यूज की जो थी पब्लिश की थी डिफरेंट एरियाज की और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड्स की, उनको उन्होंने ऑलमोस्ट मार्केट रेट के बराबर कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि FBR की लिस्ट में किसी लैंड की जो वैल्यू दी गई है वो बेसिकली मार्केट रेट के ऑलमोस्ट बराबर है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि FBR रेट, DC रेट और फेयर मार्केट रेट क्या चीज है। दूसरी चीज जो मैंने एक्सप्लेन की है वो ये है कि FBR रेट इज फॉर फेडरल टैक्सेस, DC रेट इज फॉर प्रोविंशियल टैक्सेस एंड फेयर मार्केट रेट इज फॉर डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स जो है अंडर सेक्शन 7E उसके लिए है, और इसके अलावा कुछ और टैक्सेस हैं जो फेयर मार्केट पे कैलकुलेट होते हैं, लेकिन क्योंकि फेयर मार्केट की कोई लिस्ट नहीं है तो FBR रेट ही उसके लिए एक बेंचमार्क कंसिडर होता है। अब फर्दर कैटेगरी जो कैटेगराइजेशन है इन टैक्स की वो है कुछ बायर्स की और कुछ सेलर्स की। अब उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि इसमें फेडरल कौन सा है और प्रोविंशियल कौन सा है और ये किस टाइम पे किस रेट पे दिए जाने हैं। इससे पहले कि मैं टैक्सेस को फर्दर एक्सप्लेन करूं, इसमें मैं एक और चीज़ ये बताना चाहता हूं कि हमारे कंट्री में देर आर टू टर्मिनोलॉजीज, फाइलर एंड नॉन फाइलर। जो फाइलर्स हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसके अंदर शामिल हैं और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो एक्टिव टैक्स पेयर हैं और वो फाइलर हैं। उसके अलावा जो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते वो नॉन फाइलर्स हैं। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि वो अपना इस नेटवर्क में, टैक्स फाइलिंग के नेटवर्क में आएं और फिर कम टैक्स दें। बहरहाल इसके ऊपर ज़्यादा फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो परचेजर है उसको कौन कौन से टैक्स देने हैं और कितने टैक्स देने हैं।
तो जो परचेजर है उसको अदर देन DHA's मेंबरशिप फीस एंड ट्रांसफर फीस जो गवर्नमेंट को नहीं जाती वो DHA को ही जाती है, उसके अलावा जो टैक्सेस के जुमरे में आता है उसको दो टैक्सेस देने होते हैं, एक प्रोविंशियल टैक्स है और एक फेडरल टैक्स है। प्रोविंशियल टैक्स को कैपिटल वैल्यू टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी ये कहा जाता था, लेकिन अब उसको कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT स्टैम्प ड्यूटी नहीं कहते, उसको सिंपल आप स्टैम्प ड्यूटी ही कहते हैं। और ये जब परचेजर कोई प्लॉट खरीदता है तो DC रेट जो है, जो प्रोविंशियल लिस्ट्स हैं DC की, डेप्यूटी कमिश्नर की, उसके अंदर जो वैल्यू दी होती है किसी भी लैंड की, उसका 1% पे करना होता है परचेजर ने। और अगर वो फाइलर है तो 1% देगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो भी वो 1% ही देगा। इसका तरीका कुछ ऐसा होता है कि जी वो आप बैंक ऑफ पंजाब में, ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है उसके अंडर ये आते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो प्रोविंशियल टैक्स हैं, और वो बैंक ऑफ पंजाब से आप उसका वाउचर निकाल के उधर से वो स्टैम्प ड्यूटी का स्टैम्प पेपर लेते हैं और आपका टैक्स पे हो जाता है। उसके अलावा परचेजर ने जो टैक्स देना होता है वो एडवांस टैक्स है, और एडवांस टैक्स जो वो पे करता है वो FBR रेट के मुताबिक होता है, 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड विच ही इज परचेजिंग। और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 10.5% पे करेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक प्लॉट है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है एज पर DC रेट्स, तो फाइलर को 3 लाख रुपया देना पड़ेगा और नॉन फाइलर को 10.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये दो टैक्सेस हैं जो परचेजर के हैं। ये जो मैंने आपको परचेजर के टैक्सेस बताए हैं उसमें जो वो एडवांस टैक्स देता है एज फाइलर 3% ऑफ द FBR रेट और 10.5% एज नॉन फाइलर, वो अंडर सेक्शन 236K आता है। अब हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि सेक्शन 236 क्या है और 236K क्या है, लेकिन जब आप उसका वाउचर निकालते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि सेक्शन 236K। अब हम बात करेंगे सेलर के टैक्सेस की। जब सेलर ने टैक्सेस देने हैं तो देर आर 3 टैक्सेस जो सेलर ने पे करने होते हैं। उसके अंदर सबसे पहला टैक्स है एडवांस टैक्स, जिसको आम जुबान में लोग कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, जो क्लैरिफाई नहीं है और किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है और इसके ऊपर लोग इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं, वो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स का तो आम जुबान में जो मतलब है वो ये है कि अगर आपने एक चीज़ 50 लाख की खरीदी है और उसको जब आप बेच रहे हैं 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो 80 लाख की बेच रहे हैं और आपका गेन 30 लाख हुआ है, तो 30 लाख के ऊपर टैक्स होना चाहिए। वेयर एज ऐसे फॉलो कोई नहीं करता, इसको इस तरह करते हैं कि सिंपल अगर आप फाइलर हैं तो 3% ऑफ FBR रेट वो आप पे करेंगे अंडर सेक्शन 236C, अंडर सेक्शन 236(4). तो अगर आपका प्लॉट 1 करोड़ का है FBR वैल्यू के मुताबिक, तो आपको 3 लाख रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा एज एडवांस टैक्स, और उसको आम जुबान में कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6% पे करना पड़ेगा। एक तो ये टैक्स हो गया जो मैंने आपको एडवांस टैक्स बता दिया, एडवांस टैक्स कहें या विद होल्डिंग टैक्स कहें। दूसरा टैक्स जो पंजाब में लागू हो गया है वो है पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। ये इसका रेट कुछ इस तरह है कि 2500 रुपीज पर मरला। अगर आपका प्लॉट 1 कनाल का है तो 50,000 रुपये, अगर 10 मरले का है तो 25,000 रुपये, अगर 5 मरले का है तो 12,500 रुपये ये आपको पे करना पड़ेगा एज सेलर। लेकिन अब ये रूटीन फॉलो की जा रही है कि सेलिंग के टाइम पे DHA लेता ही लेता है। उसके अलावा अगर आप उसको 2 साल बाद सेल करेंगे, 3 साल बाद सेल करेंगे, तो DHA अभी भी उनको, लोगों को वो वाउचर दे रहा है कि आप अभी जमा कराना चाहते हैं तो अभी जमा करा दें, अदरवाइज जब आपने सेल करना है तो उस वक्त तो पे करना ही करना है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, कोई घर है, तो उसके ऊपर ये रेट कवर्ड एरिया के हिसाब से होगा, जो 50 रुपीज पर स्क्वायर फुट होगा।
तो सेलर का ये दूसरा टैक्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी तीसरे टैक्स की तरफ आते हैं जिसका बड़ा वावेला लोगों ने मचाया हुआ है और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को उसके ऊपर टेंशन दे रहे हैं और अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए लोगों को डरा रहे हैं। लोग एक दूसरे को उसका लिंक सेंड कर रहे हैं और देखी जा रहे हैं कि वो हम तो मारे गए। वो है जो डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स लगाया है अंडर सेक्शन 7E, जो गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले लागू किया था, फिर उसके ऊपर स्टे आ गया था और फिर अभी दोबारा से कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दिया है कि ये टैक्स लिया जाएगा। लेकिन वो टैक्स अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसके ऊपर हर प्रोविंशियल हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था और इसको रोका हुआ था। इसके ऊपर पूरी वीडियो जो है वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा कि डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन ई कैसे चार्ज होगा, कब चार्ज होगा, किस किस प्रॉपर्टी पे चार्ज होगा और कैसे उसको पे किया जाएगा और कौन कौन उसमें एग्जम्प्ट है और जो एग्जम्प्शन है उसका सर्टिफिकेट आप कैसे लेंगे, आपने वो पे किया है या नहीं किया है, उसका सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा कमिश्नर इनकम टैक्स से और वो उसके लिए एक प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अभी तक ये टैक्स लागू नहीं हुआ है। बराए मेहरबानी आप लोग तसल्ली रखें, जब ये लागू होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जब लागू से मेरे कहने का मतलब है जब DHA लेना शुरू करेगा। फिलहाल DHA ये टैक्स नहीं ले रहा, लेकिन लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है और इसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो ये सारे टैक्सेस थे जो मैंने आपको बता दिए। समरी कुछ इस तरह है कि प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जो DC रेट पे होते हैं, फेडरल टैक्सेस जो हैं वो FBR रेट पे होते हैं, बायर जो है उसको 2 टैक्स देने पड़ते हैं, सेलर जो है उसने 3 टैक्स देने हैं जिसमें से 1 टैक्स अभी तक लागू नहीं हुआ है और उनकी क्या परसेंटेज है वो भी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा और इंशाल्लाह ताला आपको सब समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।